नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम इस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है श्री रेणुका शुगर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर में हमें अभी जो हाल देखने को मिल रहा है काफी अच्छी, हमें इसमें तेजी देखने के बाद अब फिर से जो है थोड़ा सा डाउन साइड मूव हमें देखने को मिल रही है, और आज इसमें फिर से थोड़ी सी हमें काफी अच्छी हमें तेजी देखने को थोड़ी बहुत मिली है। बात करेंगे हम इस वीडियो में कि इसमें जो ये हमें थोड़ा सा डाउन साइड मूव देखने को मिल रहा है, तो क्या अब इसमें हमें गिरावट देखने को मिलने वाली है, और जो लोग भी इस शेयर में अभी ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो लोग जो है अपने इसमें नेक्स्ट मूव क्या ले सकते हैं, और जो लोग इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं वो लोग कौन से लेवल पे अपने इसमें बाइंग कर सकते हैं, क्या अभी इसमें समय सही है बाइंग करने का या इसमें अभी आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए, आपको बताएंगे इस वीडियो में। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो क्या उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या उनको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है, आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। इसके अलावा इस कंपनी का फ्यूचर कैसा आगे रह सकता है, आपको कंपनी आगे आने वाले समय में कितना पैसा बना के दे सकती है, ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। और साथ में आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पर आगे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको हम फ्री में इंट्राडे ट्रेड, बीटीएस स्टॉक, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के सबसे अच्छे स्टॉक्स होते हैं, ये सारी सुविधा आपको हम इस ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रुप को ज्वाइन करने का आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। अगर आप इंट्राडे करते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप एनी स्टॉक डील करते हैं, या आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में, तो ये सारी सुविधा आपको मिलती है इस ग्रुप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ग्रुप को ज्वाइन करने का आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। ग्रुप की जो लिंक है वो अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी, उस पर क्लिक करें और ग्रुप की लिंक पर क्लिक कर दी, आप हमारे इस ग्रुप को जो है बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको एक रुपए का भी चार्ज पे नहीं करना है, आप जो है बिल्कुल सारी सुविधा का बिल्कुल फ्री में फायदा उठा सकते हैं। ग्रुप की जो लिंक है वो अपनी बॉक्स में पड़ी है, बॉक्स की लिंक पर क्लिक करें और आप लिंक पर क्लिक करते ही हमारे इस ग्रुप तक पहुंच जाएंगे, और आप इन सारी सुविधा का बिल्कुल फ्री में फायदा उठा सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कैसे क्या हमें ट्रेड देखने को मिली है रेणुका शुगर में आज के दिन। तो अगर आप इसका आज का हाल देखें तो हमें ओपनिंग जो है वो 52.70 रुपए पर देखने को मिली थी, मतलब कि प्रीवियस क्लोजिंग से हमें जो है उसमें ऊपर क्लोजिंग ओपनिंग देखने को मिली थी, और ओपनिंग का देखिए इसने अपना 53.60 रुपए का हाई भी लगाया था, और उसके बाद देखिए क्या हुआ, इसमें गिरावट आई, और देखिए लगभग ये 2.5% की हमें गिरावट दिखाई इसने, और लास्ट में देखिए लगभग 4% तक ये गिर गया था, क्योंकि इसने अपना लो जो था वो लगभग 50.80 रुपए लगा दिया, लेकिन मार्केट बंद होते होते काफ़ी अच्छी इसमें रिकवरी देखने को मिली, और लगभग देखिए 3% तक चढ़ गया था, मतलब कि जो इसमें डाउन साइड मूव देखी तो ये लगभग 4.5% का इसमें जो है हमें लगभग प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, तो इसमें काफी अच्छी हमें रिकवरी भी लास्ट में देखने को मिल गई, तो इसलिए हमें क्लोजिंग जो है लगभग 1.25% की तेजी के साथ लगभग 52.55 रुपए जो है आज हमें देखने को इसमें मिली, लगभग 65 पैसे की आज इसमें हमें तेजी देखने को मिली है। और अगर आप वन वीक में देखें तो लगभग 9.63% की हमें गिरावट इसमें अभी देखने को मिल रही है, और वन मंथ में लगभग देखें तो 41.26% हमें रिटर्न इसमें देखने को अभी तक मिल चुके हैं। तो अब बात करते हैं, तो क्या इसमें आपको ये जो डाउन साइड मूव देखने वाले, तो क्या ये गिरावट आपको अभी और भी मिलने वाली है, और आपको इसमें अब नेक्स्ट मूव क्या लेनी चाहिए। तो देखिए पहले अगर आज का इसका वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम हमें लगभग 1,42,43,373 शेयरों का हमें इसमें आज ट्रेड देखने को मिला है, और लगभग 42.41% हमें शेयरों की इसमें डिलीवरी भी देखने को मिली है, और लगभग देखिए तो 2,19,784 मतलब कि लगभग 2 लाख के आसपास के हमें जो है मोटे तौर पे बाइंग सब ऑर्डर देखने मिला है, मतलब कि थोड़ा सा सेलिंग बाइंग प्रेशर जो है थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को जरूर मिला है, मतलब कि पहले की अपेक्षा में हमें इसमें जो है बाइंग प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी हमें बाइंग प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है अगर ये जो है स्टॉक सेक्टर में हमें इसी प्रकार से तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि स्टॉक सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं सारे शेयर में अभी तेजी में देखने मिल रहे हैं, और अगर ये स्टॉक सेक्टर इसी प्रकार से हमें नजर में रहेगा लोगों की, और साथ में इसी प्रकार से जो है ये इसमें तेजी देखने को मिलेगी, तो आपका ये जो रेणुका शुगर है इसमें भी हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी अभी इसमें जो चांस हमें देखने मिल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये शेयर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो इसमें हमें डाउन साइड मूव जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग जोरों तौर पर देखने मिल रही है, क्योंकि लोगों ने काफी अच्छा पैसा इसमें ऑलरेडी बना लिया है, और अब जो है वो लोग अपना इसमें पैसा बेच के निकलने का जो है ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए अगर आप ऑलरेडी इस शेयर में इन्वेस्टेड हैं तो अभी क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें आप भी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चले। मैंने आपको कल भी ये चीज बोली थी, और आप भी मैं यही चीज बोलूंगा, रिपीट करूंगा, क्योंकि आपने इतनी जो मेहनत से पैसा बनाया है उसको जो है थोड़ा आप अपना देश न करें, आप इसमें अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ज्यादा लालच करने की आपको जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पैसा आप जो है अपना जरूर इसमें निकाल सकते हैं। बात करते हैं क्योंकि इसमें देखिए तेजी के अभी जो आंकड़े हैं वो बयां कर रहे हैं कि कल के दिन इसमें तेजी देखने को जरूर मिल सकती है, जो आपके बाइंग साइड में ऑर्डर देखने मिल रहे हैं वो यही आपको बोल रहे हैं कि आपको इसमें जरूर कल भी तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी मार्केट कैसा रहेगा, मार्केट पर भी काफी ज्यादा जो है ये शेयर डिपेंड करता है, क्योंकि आज देखिए मार्केट ग्रीन रहा तो इसमें भी हमें देखिए ग्रीन साइड पर ये शेयर देखने को मिला, हालांकि थोड़ा बहुत बीच बीच में हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। बाकी कल के दिन भी हमें इसमें देखिए तो तेजी देखने को मिल सकती है, आपके जो नंबर ऑफ ऑर्डर पे बाय कर रहे हैं। बाकी अगर आपका प्रॉफिट बुकिंग कल भी देखने मिलेगी तो आपका ये शेयर फिर से डाउन साइड मूव दिखा सकता है। बाकी बात करें लेवल्स की, तो लेवल आपका कौन से इंपॉर्टेंट है, तो देखिए कल के लिए आपके जो इंपॉर्टेंट लेवल कहां पर है, देखिए आपका हमारा टारगेट जो था
957 का हमारा अचीव हो गया था। और देखिए अभी इसके नीचे हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपका ये मंथली चार्ट पे काफी इंपॉर्टेंट जो है जो था ये रेजिस्टेंस का लेवल था, और इसने देखिए बाखूबी यहाँ से अपना काफी अच्छा रेजिस्टेंस लिया। तो देखिए जो लोग भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है शॉर्ट टर्म वाले, अपना मैं तो बोलूँगा कि प्रॉफिट बुक कर लें इसमें, शॉर्ट टर्म वाले जो है इसमें अपना क्या करें प्रॉफिट बुक कर लें। और बहुत ज्यादा आपका अगर रिस्क है तो आप क्या करें, आप अगर आपका बहुत ज्यादा मन है इसमें रुकने का तो आप जो है कुछ अपनी थोड़ी बहुत क्वांटिटी निकाल दें, बाकी की क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हैं। मतलब कि क्या करना है आपको, प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना है, ये बात बिल्कुल मस्ट है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करना ही करना है। आप पे डिपेंड है कि आप कितना करना चाहते हैं। आपके पास 100 शेयर है तो आप 100 में से 80 आप शेयर बेचना चाहते हैं, आप 90 शेयर बेचना चाहते हैं, या फिर आप जो है अपना 20 शेयर बेचना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। वो अपने डिस्क के हिसाब से आप जो है अपना डिसीजन इसमें ले सकते हैं। बाकी आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी है, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म वाले भी अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू करते हैं थोड़ा बहुत, अब आप भी जो है इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे करें जो भी लॉन्ग टर्म वाले। बाकी जिनको बाई करना बाई इसमें ना करें अभी, क्योंकि अगर आपको बाई करना तो आप जो है 57 रुपए के ऊपर इसका जाने का इंतजार करें, या फिर आप इसके नीचे आने का इंतजार करें, ठीक है। बाकी आपको इसमें बाइंग अभी अवॉइड करनी है खासतौर पर, ठीक है। बाइंग अभी अवॉइड करें, आप इसके ब्रेकआउट का वेट करें कि आपका जो 57 रुपए ऊपर चल जाए तो जाकर अपनी बाइंग करेंगे आप, और आपका जो टारगेट रहेगा फिर 63 रुपए 10 पैसे का आपका जो है टारगेट रहने वाला है अगर आप 57 रुपए के ऊपर बाइंग करेंगे तो। बाकी आप इसके अभी नीचे आने का अगर इंतजार करते हैं तो आप जो 45.50 पर आने का समय इंतजार करें। आपके सपोर्ट के जो दो लेवल है 45.50 एंड 39.20 आपके जो है दो सपोर्ट के लेवल अभी रहेंगे, तो आप इस पर अभी आने का इसका इंतजार करें अगर ये डाउनसाइड मूव यहाँ से दिखाता है तो। बाकी शॉर्ट टर्म वाले लॉन्ग टर्म वाले दोनों लोग इसमें जरूर खासतौर पर प्रॉफिट बुकिंग करें, प्रॉफिट बुकिंग करें। मैं आपको बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ हर एक वीडियो में, तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखें और इस पर थोड़ा सा अपना गौर फरमाएं, ठीक है। बाकी सपोर्ट आपका 45.50 एंड 39.20 आपके दो सपोर्ट के लेवल रहेंगे। टारगेट हमारा अभी भी 53.50 एंड 57 का हमारा जो है दो टारगेट रहेंगे। बाकी आपका जो कल का दिन ग्रीन शर्ट देखने को मिल सकता है, बाकी कल का मार्केट कैसा रहेगा उस पर भी जो है अपना ये शेयर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। बाकी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स से अपना डाउट क्वेरी पूछ सकते हैं। बाकी हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए, बाकी आप जो है अपने रिस्क के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। आपको कितनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो आप जो है खुद डिसाइड अपना कर सकते हैं। 100 शेयर है तो 80-70 कितना आपको बुक करना है वो आप डिसाइड कर लें, आप खुद जानते हैं आपका रिस्क कितना है, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, तो इसलिए आप प्रोसेस में ध्यान रखें। बाकी जो देखता वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से अपना प्यारा नाम बना रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ लेकर पैसा निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।